अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। पहले हमारे पास टॉपिक जो हमारे पास व्हाट इज द सीक्वेंस अलाइनमेंट। सीक्वेंस अलाइनमेंट होती क्या है, यानी सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है, और उसके अलावा हमारे पास क्या हो जाएगा, इस सीक्वेंस अलाइनमेंट की टाइप्स कितनी है, अलाइनमेंट प्रॉब्लम कितने आते हैं और अलाइनमेंट मेथड कितने हैं। ये चार चीजें आज हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज द सीक्वेंस अलाइनमेंट। सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है, व्हाट इज सीक्वेंस अलाइनमेंट, ये देखते हैं। व्हाट इज अ सीक्वेंस अलाइनमेंट, सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट एक्चुअली तौर पर क्या चीज है। अब देखिए, हमने कहा कि हमारे पास ये फर्स्ट सीक्वेंस है एक, ये उसके साथ सेकंड सीक्वेंस, हम इससे थोड़ा सा सीखते हैं। देखिए यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी क्या होगा ए। अगर ए के सामने ए हो तो इट मीन सिमिलैरिटी है दो सीक्वेंस की, और एम के सामने एन है तो सिमिलैरिटी है दो सीक्वेंस की, एंड डी के सामने डी है तो सिमिलैरिटी है, बट यहाँ पे एस ओसो है यहाँ देन है, इट मीन एस के सामने डी आ गया तो सिमिलैरिटी नहीं, डिफरेंस है। ओ के सामने एच आ गया तो सिमिलैरिटी नहीं है, डिफरेंस है। और इसके सामने कॉमा के बाद यहाँ पे ये आ गया, यहाँ गैप है, यहाँ एन है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें क्या आ गया, डिफरेंस। यानी ऐसा सीक्वेंस अगर दो या दो से ज्यादा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मौजूद हो, या दो या दो से ज्यादा सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन मौजूद हो, तो उन सीक्वेंस के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस मौजूद है। अब देखिए, जैसे एफ है, इसके सामने कॉमा है, और आर के सामने भी क्या है, डॉट है, यानी गैप आ गया, ओ के सामने एफ आ गया, एम के सामने आर आ गया, तो सीक्वेंस नहीं है। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट में क्या होता है कि एक दूसरे के सामने आना, दूसरे सिमिलर सीक्वेंस अलाइनमेंट है। तो हमारे पास सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है, वी कैन प्रिडिक्ट दैट, यानी क्या हो जाएगा, इन फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर प्रोटीन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन मौजूद है तो सेकंड सीक्वेंस में कितने परसेंट उसकी सिमिलैरिटीज है और कितने परसेंट डिफरेंशिएशन मौजूद होगी, दैट इज सेड टू बी अ सीक्वेंस अलाइनमेंट, कि उसे क्या कहेंगे, सीक्वेंस अलाइनमेंट कहेंगे। अब सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल इलस्ट्रेट मैच मीन सिमिलैरिटी कितनी है, मिसमैच मीन डिफरेंशिएट कितने हैं, और इंसर्शन मीन क्या, कोई ऐड तो नहीं हो गया, ऐड हुई, और डिलीशन मीन कोई डिलीट तो नहीं होगी बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर, क्या क्या हो गए, डिलीट तो नहीं हो गया। ये सारी चीजें सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम चेक करते हैं। जैसे ये आपके पास सीक्वेंस अलाइनमेंट था, ये टोटली तौर पर सिमिलर था, यहाँ पे क्या है, डिसिमिलर सीक्वेंस है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे क्या हो गया, सीक्वेंस आ गया, इट मीन क्या हो गया कि डिलीशन, यहाँ पे क्या हो गया, मौजूद नहीं था, यहाँ दो और आ गए तो इंसर्शन हो गई, यहाँ पे एफ आर मौजूद था और यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, इट मीन डिलीशन हो गई। तो सीक्वेंस के अंदर डिलीशन होना, सीक्वेंस के अंदर मिसमैच होना, सीक्वेंस के अंदर मैचिंग यानी सिमिलैरिटी होना, और यानी क्या होगा, इंसर्शन होना, ये क्या कहलाएगा, सीक्वेंस अलाइनमेंट कहलाता है। अब सीक्वेंस अलाइनमेंट को देखा जाए, जैसे हमारे पास ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सी टी सी टी ए जी सी ए टी टी ए जी, और इसके साथ सेम है जी टी टी सी जी सी टी ए टी टी ए, यानी ये क्या हमारे पास एक अलाइनमेंट है। अब अलाइन कर रहे हैं ये सीक्वेंस, क्या सी के सामने जी है, सी के सामने जी है, लेकिन क्या है, सिमिलर नहीं है, डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस मिसमैच है, और ये टी के सामने टी है तो इट मीन सिमिलर है, सी के सामने टी है तो डिसिमिलर है, टी के सामने सी है तो डिसिमिलर है, ए के सामने जी है तो क्या हो जाएगा, डिसिमिलर है, जी के सामने सी है तो डिसिमिलर है, सी के सामने टी है तो डिसिमिलर है, ए के सामने टी है तो डिसिमिलर है, टी के सामने ए है तो डिसिमिलर, और यहाँ पे टी ए जी है यहाँ पे नहीं है, इट मीन डिलीशन हो गई। तो इन सीक्वेंस के अंदर एक ही बेस पेयर क्या अलाइन है, बाकी जिस यानी क्या हो जाएगी, मिसमैच है और डिलीशन इसके अंदर पाई जाती है। तो ये देखिए अलाइनमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो टी टी के साथ है, टी टी के साथ अगर अलाइन करें, जी जी के साथ आ सकता है, टी टी के साथ आ सकता है, ये बाकी सारे के सारे क्या है, ये देखिए ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये क्या हो गया, इसके साथ ये भी इसके साथ डिलीट हो गया, और ये सी के सामने जी है तो मिसमैच हो गया। तो इस तरह के अलाइनमेंट्स को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस अलाइनमेंट कहते हैं। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट इज रेसिड्यू ऑफ
रेजिड्यू रेजिड्यू कोरस्पॉन्डिंग कैसे, प्रिसाइज ऑपरेटर फॉर अलाइनमेंट होती है, मैचिंग देखते हैं, गैप देखते हैं, गैप में क्या होगा मिसमैच देखते हैं, क्वांटिटेटिव स्कोरिंग ऑफ सिस्टम देखते हैं। तो इसके लिए आपसे जो अलाइनमेंट कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सीक्वेंस अलाइनमेंट, और इसके लिए एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं, ये आप करेंगे भी सही। अभी सीक्वेंस अलाइनमेंट दो तरह की, एक ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट और पेयर वाइज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ग्लोबल और लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट। जो ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज क्या हो जाएगा फॉर मैचिंग सिमिलैरिटी डिटेक्शन के लिए। तो ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है, द टाइप ऑफ अलाइनमेंट विच आर यूज टू डिटेक्ट द सिमिलैरिटी इन द सीक्वेंस। और लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट द, यानी क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ अलाइनमेंट सीक्वेंस अलाइनमेंट विच आर यूज टू डिटेक्ट द डिससिमिलैरिटी इन द सीक्वेंस आर सेड टू बी अ लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट। अब पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट और मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होगा, मैचिंग डिसमैचिंग और क्या हो जाएगा इसके साथ साथ डिलीशन इंसर्शन सारी चीजें देखी जाएगी। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में दो सीक्वेंस नहीं देखते, दो से ज्यादा सीक्वेंस देखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उसकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस देख रहे होते हैं, तो इससे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कहा जाता है। ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब ये इनपुट आउटपुट हम देखते हैं इसके लिए आज से। तो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है, द सीक्वेंस अलाइनमेंट इज एन अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंस ऑब्टेन बाय इंसर्टिंग द गैप सच अ रेजिड्यू सीक्वेंस हैव द टू सेम लेंथ। यानी एक्चुअली तौर पर पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट गैप को और सेम सीक्वेंस की लेंथ को मेयर करने के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स वाई इसे होमोलोगस पोजिशन भी कहते हैं, होमोलोगी चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है होमोलोगी पोजिशन को। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ये ऐसी टाइप का अलाइनमेंट है जिसमें हम मल्टीपल क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब मल्टीपल क्या किया जाता है, यूज किया जाता है टू चेक द सिमिलैरिटी इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर सिमिलैरिटी को चेक करने के लिए मल्टीपल तरीकाकार इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मल्टीपल सीक्वेंस को इस्तेमाल करके उसके अंदर सिमिलैरिटी गैप और मिसमैच सारी चीजें क्या की जाती है, चेक की जाती है। ये आपके पास अलाइनमेंट का तरीका है। अब जो हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, वो प्रैक्टिकली परफॉर्म ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पे चीजें ऐड कर रही है। अब वो कौन सी चीज ऐड कर रही है ये देखते हैं हम कि स्क्रीन हमारे पास जो शेयर हुई, तो न्यू स्क्रीन कौन सी शेयर हो सकती है। अब सामने इसके लिए आ सही है। अब यहाँ पे देखिएगा टोटली हम चेंज कर रहे हैं। तो ये एक हमने क्या लिया, यानी प्रोटीन के लिए या लीक, यानी क्या होगा डीएनए की सीक्वेंस की अलाइनमेंट के लिए चेक करना है। देखिए हमारे पास कुछ मिसमैच, यानी क्या होगा बेस पेयर, यहां से हम क्या करेंगे सर्च करेंगे, यानी एन आई, ये आपके पास एक तरीका कार है एन एल ऑफ एम, यानी एन आई एच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। अब इसके लिहाज से क्या हो जाएगा कि हम प्रोटीन का सीक्वेंस, या देखो एम आर एन ए फॉर फेब्रिनोजन गैमा प्रोटीन के लिए क्या करते हैं ये, और एनोफिलीज के लिए क्या करते हैं, यानी फेब्रिनोजन गैमा गैमा बी के लिए, ये सीक्वेंस हम यहाँ से कॉपी करते हैं। एक सीक्वेंस को हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे पहले को, और दूसरे सीक्वेंस को यहाँ पे पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें किसी चीज को हम देखेंगे नहीं, जस्ट हमने डिफॉल्ट रहने देना यहाँ पे, और उसके बाद क्या कर देना है सबमिट करा देना है। जैसे हम सबमिट कराएंगे हमारे पास फिल्टरिंग का पैरामीटर आएंगे, वैलिडेटिंग आएगी, और हमारी करंटली जॉब रनिंग आ जाएगी। अब जैसे ये पूरा होगा, अब देखिए हमारे पास टोटल सीक्वेंस के लिहाज से आ गया ये डेटा। अब देखिए सीक्वेंस हमारे पास वन था ये, अब सीक्वेंस वन के बेस पेयर टू के बेस पेयर के साथ मिलते नहीं, बट जीरो सीक्वेंस में कोई भी नहीं मिलता, यानी वन से जीरो, और देखिए वन से 50 सीक्वेंस के अंदर किसी किसी की मैचमेंट नहीं है। अब हमारे पास टोटल पहली लेंथ पे कितना था, 1617 सीक्वेंस थे, और दूसरी में भी आपके पास देखिए 1617 लेंथ का सीक्वेंस था टोटल, दोनों एक ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों 1617 लेंथ के सीक्वेंस थे। अब उसमें हमने आइडेंटिटी देखी कि कितनी बेस पेयर सेम टू सेम है, मैच करती है, कितनी बेस पेयर सेम टू सेम मैच करती है, दैट इज 243 आउट ऑफ 1617, यानी 15% वो आइडेंटिकल है, मीन 15% वो क्या होगा सिमिलर है। और गैप मीन क्या हो जाएगा, गैप यहाँ पे देखिए ये जो गैप नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये जो गैप नजर आ रहे हैं, ये जो गैप है ये डिसिमिलर सीक्वेंसेस है, या फिर आपके पास क्या होगा मिसमैच सीक्वेंसेस है और डिलीशन है। अब इसके अंदर देखा जाए तो 1246 यानी 1246 बेस पेयर ऐसी है जो कि मैच नहीं करती। अब इसको क्या कहते हैं, हमने कहा 77% ये मिसमैच है, यानी ये दो सीक्वेंस आपस में ज्यादातर ये क्या करती है डिसिमिलर है, और कुछ क्या होते हैं इनकी सिमिलरिटीज क्या होती है मौजूद होती है। तो दिस टाइप ऑफ द अलाइनमेंट इज सेड टू बी अ, यानी दिस सिमिलर
अलाइनमेंट। अब इसके लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है ईएम, यानी एक्सेलरेटेड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आप क्या हो जाएगा कि सिस्टम यूज किए जाते हैं टू नीडल सिस्टम है जिसके हम इस्तेमाल करते हैं पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट के अंदर। ओके जी, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दैट यू कैन।